तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मार्केट पे नया नया कार्ड्स आ रहे हैं, सब EMV चिप वाले, और नया कार्ड पे अभी सब शिफ्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे सबके पास ये नया टेक्नोलॉजी वाला कार्ड्स पहुंच रहे हैं और सब धीरे धीरे इसी कार्ड को यूज करेंगे। पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक खतरनाक फीचर्स के बारे में इस कार्ड के, जो सबको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये खतरनाक वर्ड मैंने किस लिए इस्तेमाल किया ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इसी वीडियो में। कहने के लिए तो एक फीचर्स है, पर इसके बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है आपके लिए। तो सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, वीडियो के साथ आप बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नया आ गए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में नोटिफिकेशन के लिए एक बेल आइकन आएगा, उसको भी जरूर से जरूर दबाना है ताकि हमारे वीडियोज आप मिस ना करें और नया नया वीडियोज का जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। तो अभी सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। तो फिर चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो मोहंती टेक्निकल। तो सीधा अब वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। अब आपको बताते हैं अभी जो नया नया कार्ड्स आ रहे हैं उस पर एक कमाल के फीचर्स है, और वो फीचर्स है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का। जी हाँ, वही जैसे कि टैप करके पे करने का फीचर्स, वो ये कार्ड पे अवेलेबल है। इस कार्ड पे NFC है, तो वो जो फीचर्स बता रहे थे कॉन्टैक्टलेस फीचर, उसकी मदद से आप 2000 रुपया तक शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी बिना आपके पास OTP आए और बिना कोई पिन डाल के ये पेमेंट इंस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या फिर सिनेमा हॉल्स पे जहाँ पे वो मशीन अवेलेबल है, जहाँ पे सिर्फ कार्ड को टैप करके ही पेमेंट्स हो सकता है, तो वहाँ पे आप ये पेमेंट्स कर पाएंगे। इसी कार्ड के द्वारा 2000 रुपया तक आप शॉपिंग कर सकते हैं बिना कोई OTP, बिना कोई पासवर्ड आपके पास आए। जी नहीं, हम कोई मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं, ये रियल बात है। तो अभी आपको एक आर्टिकल दिखाएंगे, दैनिक भास्कर का है, तो इसके बारे में और पता लग जाएगा आपको और अच्छे से ये बात आपको समझ में आएगा। तो सूरत की बात है, जितेंद्र खत्री अपने परिवार के साथ गए थे फिल्म देखने, और वहाँ पे जाने के बाद फिल्म की टिकट खरीदने के लिए उन्होंने अपना डेबिट कार्ड दिया काउंटर में बैठा एग्जीक्यूटिव को, और वो 1500 रुपया टिकट का प्राइस काट के कार्ड लौटा दिया। तब जितेंद्र खत्री पूछा कि हमने तो पिन दिया ही नहीं, कोई मैसेज मेरे पास आया ही नहीं, कोई OTP वगैरह जो भी है आया नहीं, तो कैसे ये पेमेंट्स हुआ। तब एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये जो कार्ड्स है नया कार्ड्स, इस पे 2000 रुपया तक पेमेंट्स किया जा सकता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, और वो भी मशीन के पास आप जब कार्ड को ले जाएंगे टैप करेंगे तब पेमेंट्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली पेमेंट्स हो जाता है। इस पे आपके पास कोई पिन वगैरह आता नहीं है और ये 4 सेंटीमीटर दूरी तक पेमेंट्स किया जा सकता है। तो अभी जितेंद्र की तरह जो नया नया कार्ड्स मार्केट्स पे लोगों के पास आ रहा है इस नया साल पे, मैं सिर्फ SBI की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बैंक से ये कार्ड्स नया नया कार्ड्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो सभी कार्ड्स पे ये फीचर्स अवेलेबल है। तो अब सवाल आता है ये जो फीचर्स है ये कैसे हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो मान लो ये कार्ड अगर आपके पास से गुम हो जाता है, कहीं से गिर जाता है, तो कोई भी उस कार्ड से 2000 रुपया तक शॉपिंग कर पाएगा बिना आपके पास कोई पिन जाए। तो जब आपको पता लगेगा बाद में तो 2000 करके कितना रुपया शायद निकल लेगा, मान लो एक दिन में कोई बैंक का लिमिट है 25000 रुपया, तो अप्रोक्सीमेटली 12 बार बंदा अगर करेगा ऐसा तो 25000 रुपया तक शायद निकल ले। और ये अगर ऐसा होता है बैंक का या फिर जो कंपनी बनाता है, तो उन लोगों का कहना, सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना ये है कि ये खतरा नहीं है, ये अच्छा फीचर्स है, फुल्ली सेफ है, सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे पेमेंट्स 3 गुना फास्ट होता है और नया कार्ड से क्लोन वगैरह करने का खतरा भी नहीं रहता है, ऐसा बैंक्स का कहना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा जहाँ जाके आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये जो फीचर है इसके बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताओ। क्या आप सिक्योर फील करते हो या फिर खतरा है, और इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ आपको बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली खतरा तो है, पर क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास अगर नया टेक्नोलॉजी वाला ये कार्ड है तो आप एक काम करो, कार्ड को ध्यान से रखो अपने पास से, कहीं छूट ना जाए, गिर ना जाए, इसका ध्यान रखो। और अगर ऐसा हो जाता है, कहीं पे गिर जाता है, तो तुरंत कॉन्टैक्ट करो बैंक से या फिर आप मोबाइल से अपना डेबिट कार्ड को कर दो ब्लॉक ताकि कोई पैसा निकाल ना पाए। और इसके बारे में दोस्तों जागृति फैलाना होगा लोगों को, बैंक्स को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये फीचर से ऐसा ऐसा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, ताकि ये नया चीज़ है दोस्तों, ये फीचर्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ये नया नया कार्ड्स लोगों के पास अभी मिलना शुरू ही हुआ है,
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, बैंक्स बात करेगा इसके बारे में, बताएगा सबको, ज्यादा बातचीत होगा इसके बारे में, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और काफी हद तक लोग सेफ रह पाएंगे। तो ये जागृति को फैलाना होगा लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा। आप भी शेयर करो, अपने घर वालों को भी बताओ, दोस्त वगैरह को बताओ कि ऐसा ऐसा है। इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर जरूर लाइक कर देना। आप अगर हमारे चैनल पर नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को वेट कर देना, इससे हमारे नया नया वीडियो का जानकारी आप तक पहुंच पाएगा। और फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।